तो स्टूडेंट्स हम लोगों को स्टार्ट करना है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में हमें दो कंडीशंस होते हैं बच्चे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक होता है, अगर आप ध्यान से देखना बच्चे, एक होता है यहाँ पे घड़ी में जब हमारा सभी का फेस इनसाइड हो, देख रहे हो यहाँ पे एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर में सभी का फेस क्या है, इनसाइड है। इनसाइड का मतलब घड़ी यहाँ पे सभी का फेस केंद्र की ओर है। सभी का फेस बच्चे किधर है, केंद्र की ओर है। तो जब फेस सभी का केंद्र की ओर हो, सभी का फेस केंद्र की ओर है, देखो यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, मतलब चार पर्सन है, चार व्यक्ति बैठा हुआ है। अगर चारों व्यक्ति का फेस अगर हमारा यहाँ पे केंद्र की ओर है, अगर फेस हमारा केंद्र की ओर है तो क्या होता है, जब फेस केंद्र की ओर है तो आप देखोगे यहाँ पे ए से जब डी की तरफ जाओगे, ए से डी की तरफ आओगे तो यहाँ पर लेफ्ट होगा, जब डी से सी की तरफ आओगे तो लेफ्ट होगा, जब सी से बी की तरफ आओगे तो लेफ्ट होगा, बी से ए की तरफ आओगे तो लेफ्ट होगा। मतलब जब फेस हमारा केंद्र की ओर हो, जब फेस हमारा केंद्र की ओर हो तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज, जब हमारा क्लॉकवाइज चलता है, ये हमारा किधर हुआ बेटा, क्लॉकवाइज। जब भी हम क्लॉकवाइज, हम अपने बगल वाले जो फ्रेंड्स हैं, जो भी हमारे बगल में बैठा है, अगर हम क्लॉकवाइज देखेंगे तो क्लॉकवाइज हमेशा लेफ्ट होता है। क्लॉकवाइज किधर होता है बेटा, लेफ्ट होता है। यहाँ पे ध्यान से देख लेना, क्लॉकवाइज हमेशा लेफ्ट होता है। कब, जब फेस केंद्र की ओर हो, जब फेस केंद्र की ओर हो, सभी का फेस किधर है, सेंटर में, तो क्लॉकवाइज हमेशा लेफ्ट होता है, जिसको हिंदी में दक्षिणावर्त दिशा कहते हैं। बेटा सेम कंडीशन जब यहाँ पे चेक करोगे, जब सभी का फेस केंद्र की ओर है, यहाँ इस साइड आ जाओ, दूसरा साइड आ जाओ, जब सभी का फेस केंद्र की ओर है, ए का भी, बी का भी, सी का और डी का, तो यहाँ पर देखोगे जब हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, ए का एंटी क्लॉकवाइज बी, बी का एंटी क्लॉकवाइज सी, सी का एंटी क्लॉकवाइज डी, डी का एंटी क्लॉकवाइज ए, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा दाएं होगा। मतलब ए के दाएं में कौन है, बी, बी के दाएं में कौन है, सी, सी के दाएं में कौन है, डी, डी के दाएं में कौन है, ए। तो एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम हिंदी में वामावर्त दिशा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, वामावर्त दिशा, एंटी क्लॉकवाइज बेटा क्या होता है, दाएं साइड होता है, और क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा में बाएं साइड होता है। जब भी आप सभी किसी सेंटर में आप बैठेंगे, सेंटर टेबल पर बैठेंगे, तो आपके बाएं में जब सभी का फेस सेंटर टेबल के फेस, सभी का फेस केंद्र की ओर होगा, तो आप याद रखना आपका जो एंटी क्लॉकवाइज में जो भी पर्सन आएगा वो सारे बाएं साइड में आएंगे, सारे आपके लेफ्ट में आएंगे, और जो आपके क्लॉकवाइज में जो भी होगा वो हमेशा बाएं में आएंगे, और जो भी एंटी क्लॉकवाइज में आएगा बेटा वो सारे के सारे आपके दाएं साइड में आएंगे। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पे हमने सीखने को मिला सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें हम कह सकते हैं जो ये याद रखना, जो क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है, एंटी क्लॉकवाइज राइट होता है। कब, जब फेस केंद्र की ओर है, और जब फेस केंद्र से बाहर की ओर होगा, जब फेस केंद्र से बाहर की ओर होगा तो ठीक अपोजिट होता है, क्लॉकवाइज राइट होता है और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है। ठीक ना बेटा, इस चीज को ध्यान से रखना है। अब फिर आगे का कंडीशन हम बताते हैं, पहले कंडीशनल चीज बता देता हूं। कंडीशनल चीज बताने के बाद फिर क्वेश्चंस करोगे तो आसानी से प्रत्येक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। कंडीशनल चीज आप एक बार पढ़ लोगे, कंडीशनल चीज पढ़ने के बाद जब भी क्वेश्चंस करोगे तो आसानी से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। एक एक बात सीखेंगे, एक एक बात जानेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगा। चलो बेटा अब देखते हैं, हमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ा डाउट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिखा है ए बिटवीन बी एंड सी, ए बिटवीन बी एंड सी, ए बी और सी के बीच बैठा हुआ है। तो बेटा दो कंडीशन होगा, ए बीच में बैठेगा बी और सी के, ए बीच में बैठेगा किसके किसके, बी और सी के, देख रहे हो यहाँ पे बी लेफ्ट में है और सी राइट में। यहीं पे देखोगे ए बीच में होगा, बी राइट साइड होगा, सी लेफ्ट साइड होगा। दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन होगा, जब भी इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे ए बिटवीन बी एंड सी, ए बी और सी के बीच बैठा हुआ है, तो आपको कैसे पता होगा, जो ये तो क्लियर है जो ए बीच में बैठेगा इसमें भी और इसमें भी, लेकिन ये चीज आपको कैसे पता चलेगा जो बी लेफ्ट में है कि बी राइट में बैठाना है, नहीं पता होगा। तो आप दोनों कंडीशन को समझना होगा, या तो बी लेफ्ट में होगा या बी राइट में होगा।
अगर बी लेफ्ट में होगा तो सी राइट में होगा, इसमें बी अगर राइट में होगा तो लेफ्ट में सी होगा। तो इसमें से कौन से कंडीशन लेके चलना है वो चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। जब भी सीटिंग अरेंजमेंट में दो फेस नहीं हो, स्टेटमेंट में दो फेस नहीं हो, कोई भी दो फेस नहीं हो, तो यहाँ पे ए बिटवीन बी एंड सी दिया जाए, या तीनों में से कोई भी फेस नहीं हो, मिनिमम दो मैक्सिमम तीन, मिनिमम दो मैक्सिमम तीन, मिनिमम दो फेस नहीं हो या तीनों का तीनों फेस नहीं हो, तो आप हमेशा क्या करना, पहला व्यक्ति को, जो पहला व्यक्ति होगा वो बीच में होगा, दूसरा व्यक्ति को राइट साइड और तीसरा व्यक्ति को लेफ्ट साइड, मतलब इसको राइट साइड में बैठाना है आपको, याद रखना, इस व्यक्ति को राइट साइड बैठाना है और इस व्यक्ति को लेफ्ट साइड बैठाना है, मतलब ये जो है वो बीच में होगा, ए तो बीच में आएगा, ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति को राइट में रखना है और इस व्यक्ति को लेफ्ट में रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको राइट में कौन हो जाएगा बी, लेफ्ट में कौन हो जाएगा सी, यही कंडीशन लेके चलना है आपको, ये वाले कंडीशन लेके चलना है। और ये चीज अब अगर समझ में यहाँ पे नहीं आएगा तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम आपको समझाएंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे बेटा तो हम आपको साथ साथ समझा देंगे जो हमें करना क्या है। तो हमें कौन सी कंडीशन लेके चलना है बेटा, राइट वाला, मतलब पहला व्यक्ति को बीच में होगा, दूसरा व्यक्ति राइट साइड होगा, तीसरा व्यक्ति लेफ्ट साइड होगा, क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। तो आपको इस तरीका से हम प्रत्येक क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्लियर बेटा, जो पहला व्यक्ति को बीच में रखना है, यहाँ पे दूसरा व्यक्ति को राइट साइड, तीसरा व्यक्ति को लेफ्ट साइड, तो हमारे इसके अकॉर्डिंग, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है बेटा, ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है, ये वाला कंडीशन अप्लाई हो रहा है, ये वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। चलो आगे की कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या कहता है। कहता है देखो, इफ द देयर इज एंड हु वाइड इन द कनेक्टिंग सेंटेंस देन, कहता है देखो तीन वर्ड हमें बराबर मिलता है, तीन वर्ड हमें बराबर मिलता है जब दो सेंटेंस के बीच में या तो एंड से जोड़ दिया जाए, या हु से जोड़ दिया जाए, या व्हाइल से जोड़ दिया जाए। एंड का मतलब क्या होता है बेटा हिंदी में, और होता है, हु का मतलब हिंदी में जो होता है, व्हाइल का मतलब हिंदी में जबकि होता है। जब दो सेंटेंस के बीच में एंड आ जाए तो पहला पर्सन को रखेंगे, जब और से कनेक्ट किया जाए, जब दो दो सेंटेंस को और से कनेक्ट करना है तब उसमें और के जगह पर पहला व्यक्ति आ जाएगा। जब दो सेंटेंस को हु से कनेक्ट किया जाए तो हु के जगह पे सेकेंड पर्सन को लेंगे। जब दो सेंटेंस के बीच में जो से कनेक्ट किया जाए तो हम दूसरा व्यक्ति जो के जगह पे दूसरा व्यक्ति को रखेंगे। जब उस सेंटेंस को व्हाइल से कनेक्ट किया जाए तो व्हाइल के जगह पे फर्स्ट पर्सन को रखेंगे, मतलब जबकि से जोड़ा जाए तो जबकि के स्थान पे पहला व्यक्ति को जोड़ेंगे, पहला व्यक्ति को रखेंगे। अब ये जो मैंने बताया है, एंड के लिए फर्स्ट पर्सन, हु के लिए सेकेंड पर्सन, व्हाइल के लिए थर्ड, व्हाइल के लिए फर्स्ट पर्सन, क्योंकि दो ही व्यक्ति, तीन व्यक्ति होता है उसमें या तो फर्स्ट पर्सन आएगा या सेकेंड पर्सन आएगा, तो एंड के लिए फर्स्ट पर्सन, हु के लिए सेकेंड पर्सन, व्हाइल के लिए फर्स्ट पर्सन, ये आपको याद रखना है, इसको आप लिख भी लेना, अगर याद ना रहे तो आप इस चीज को लिख भी लेना, जो एंड के लिए फर्स्ट पर्सन आएगा, हु के लिए सेकेंड पर्सन आ जाएगा, व्हाइल के लिए फर्स्ट पर्सन आ जाएगा, ध्यान से देखना बेटा। समझ में आ रहा है? चलो अब यहां पे जो कंडीशन से यहां पे दिया गया है इसको हम आपको जब क्वेश्चंस कराएंगे तब हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे, जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तब हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे जो याद रहेगा। हो सकता है अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन बट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैं समझा दूंगा, आपको समझ में भी आएगा, क्लियर है बेटा। चलिए अब यहाँ पे देखोगे क्वेश्चंस में क्वेश्चन किस टाइप का आता है, क्वेश्चंस हम कैसे बनाएंगे,
बिटवीन की कंडीशन को कैसे लागू करेंगे, बिटवीन वाले रूल को हम कैसे बनाएंगे, एंड व्हाइल या फूल वाले रूल को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, सारा कुछ आराम से समझाऊंगा, आराम से आप समझोगे। क्लियर? चले तो स्टार्ट किए हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट। बेटा सीटिंग अरेंजमेंट में आराम से पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है और प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से हम सॉल्व भी करते चले जाएंगे। ओके तो चलते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट का। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, अब बेटा यहाँ पे देखोगे लिखा है एट फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सीटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। अब यहाँ पे देखोगे क्या कहता है बेटा, कहता है जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सीटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। हिंदी में कहता है आठ मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। टोटल देखो यहाँ पे कितना पर्सन बेटा, आठ। देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, टोटल आठ व्यक्ति बैठा हुआ है। सभी का मुंह देखो केंद्र की ओर है, सभी का फेस किधर है बेटा, केंद्र की ओर है, कोई परेशानी नहीं। अब यहां पे ध्यान से देखना है, लिखा है बी इज सीटिंग बिटवीन जी एंड डी, बी इज सीटिंग बिटवीन जी एंड डी। हिंदी में देखो लिखा है बी जी और डी के बीच बैठा है, तो बेटा कहां पे बी को बैठाएंगे, बी तो बीच में बैठेगा, किसके किसके बीच में बैठेगा बेटा, देखो बी इज सीटिंग बी बीच में होगा, बिटवीन जी एंड डी, जी और डी के बीच बैठना है, तो जी को लेफ्ट रखेंगे या जी को राइट रखेंगे। तो यहाँ पे दो सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ पे आ जाओ, मैंने आपको समझाया था जहां पे बिटवीन का रूल हो तो एक तो बीच में बैठेगा, इसके बाद जो उसके बाद वाला जो पर्सन है वो राइट साइड आएगा, देन सबसे लास्ट वाला पर्सन लेफ्ट में आएगा। जब तीनों में से कोई भी व्यक्ति नहीं हो या मिनिमम दो व्यक्ति नहीं हो तो हम क्या करेंगे, एक तो बीच में बैठेगा वो तो क्लियर है, उसके बाद दो व्यक्ति में से पहला व्यक्ति को राइट साइड और दूसरा व्यक्ति को लेफ्ट साइड। अब देखो मैंने यही बात यहाँ पे अब कनेक्ट करेंगे, अब आपको मैंने यहाँ पे समझाया था, अब यहाँ पे फिर समझो। यहाँ पे क्वेश्चन में है बी इज सीटिंग बिटवीन जी एंड डी, कंप्लीट सेंटेंस है, बी जो है वो बीच में है किसके किसके, जी और डी के, बी बीच में है किसके, जी और डी के, तो हम क्या करेंगे बेटा बी को रखेंगे, बी को हम बीच में रखते हैं, बी को हम कहाँ रखेंगे बेटा बीच में रखते हैं, बी को हम कहाँ रखेंगे बीच में रखते हैं, ठीक ना। किसके किसके बीच में है, जी और डी के, तो पहला व्यक्ति को जी को राइट साइड और दूसरा व्यक्ति को लेफ्ट साइड, तो हम क्या करेंगे जी को हम राइट साइड रखेंगे और डी को लेफ्ट साइड रखेंगे, किसके लेफ्ट में, बी के राइट में और बी के लेफ्ट में, नहीं तो आपको दो सर्कल बनाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे नहीं बनाओगे तो आपको दो दो सर्कल बनाना पड़ेगा बेटा, ऐसा नहीं करना है, जो मैं रूल बता रहा हूं उस रूल के अकॉर्डिंग चलना है, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो यहां पे हमने क्लियर सीखा है जो बी इज सीटिंग बिटवीन जी एंड डी, बी बीच में होगा जी और डी के, तो जी को राइट साइड और डी को लेफ्ट साइड, तो बी बीच में है जी को राइट साइड, बी के राइट में जी जी होगा और बी के लेफ्ट में डी होगा, क्लियर। चलिए अब आगे अगला सेंटेंस देखो क्या कहता है बेटा, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। देखो ये सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, लेकिन ये सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं आया, फिर बताया एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। जो सेंटेंस यहां से स्टार्ट हुआ बेटा, यहां से जो स्टार्ट हुआ है वो सेंटेंस यहां जाके कंप्लीट किया है, इस प्लेस पर आके कंप्लीट किया है, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, देख रहे हो यहां पे आधा है, फिर किससे कनेक्ट किया है, एंड से कनेक्ट किया है, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। हिंदी में देखोगे लिखा है एच बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है और से कनेक्ट किया है, और ए के दाएं से दूसरे स्थान पर, ये तो हमें समझ में आ गया जो एच जो है वो बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है और ए के दाएं से दूसरे स्थान पर,
लेकिन एक के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन है? और है, और का मतलब क्या? तो आप आ जाओ यहां पे, मैंने यहां पे बताया था आपको, जो सेंटेंस एंड से कनेक्ट हो, जो सेंटेंस एंड से कनेक्ट हो, तो एंड के लिए फर्स्ट पर्सन को यूज करना है, एंड के लिए या हिंदी में और से कनेक्ट हो तो और के जगह पे पहला व्यक्ति को रखना है, एंड से कनेक्ट हो तो एंड के प्लेस पर फर्स्ट पर्सन को रखना है। अब यहाँ पे आप सीखोगे, देखोगे बेटा जो सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ है उसमें पहला व्यक्ति कौन हो जाएगा? एच हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। और तीसरा व्यक्ति कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो कहता है एच बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। एंड का मतलब क्या? कहता है एंड सेकेंड टू द लेफ्ट टू द राइट ऑफ ए, ए के दाएं से दूसरे स्थान पर एंड है। एंड का मतलब क्या? एंड का मतलब बेटा फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे याद कर लेना, ये चीज आप याद करना, एंड का मतलब फर्स्ट पर्सन, हु का मतलब सेकेंड पर्सन, व्हाइल का मतलब फर्स्ट पर्सन। तो एंड का मतलब बेटा क्या? तो एंड का मतलब फर्स्ट पर्सन, तो एंड का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहला व्यक्ति। तो फर्स्ट पर्सन कौन है इस सेंटेंस में जिसमें एंड है? फर्स्ट पर्सन एच है, सेकेंड पर्सन बी है। तो एंड के जगह पे क्या रखना है बेटा? एच को रखना है। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर बेटा क्या करना है, यहीं पे हमें समझने की जरूरत है, इसी यही कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने की जरूरत है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ेंगे तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से जल्दी से नहीं बना पाएंगे। देखना, कहता है एच इज ए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, पहले यहाँ तक बना लो, एच इज ए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, पहले यहाँ तक बना लो। हिंदी में भी देख लो, एच बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, पहले यहाँ तक बना लो। तो देखो एच जो है किसके बाएं में है? बी के बाएं में। तो यहाँ पे बी आ गया बेटा, तो बी का बायां किधर होगा? क्लॉक वाइज। बी का बायां किधर होगा बेटा? क्लॉक वाइज, ठीक ना। सभी का फेस केंद्र में हो तो क्लॉक वाइज बायां होता है, एंटी क्लॉक वाइज दायां होता है। तो बायां का लेफ्ट किधर होगा बेटा? लेफ्ट होगा क्लॉक वाइज। तो देखो, तो बी के लेफ्ट से थर्ड स्थान पे कौन है? एच। तो बी के लेफ्ट से, तो बी को छोड़ के एक दो तीन, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? एच। बी को छोड़ के फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बी के लेफ्ट में थर्ड पर्सन, थर्ड स्थान पे कौन है? एच। एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड सेकेंड राइट ऑफ ए, ए के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन है? एंड है। तो एंड के लिए हम क्या रखेंगे? पहला व्यक्ति। एंड के लिए क्या आ जाएगा बेटा? पहला व्यक्ति। तो पहला व्यक्ति सेंटेंस में कौन है? एच। तो एंड को एंड नहीं पढ़ेंगे, एंड के जगह पे फर्स्ट पर्सन को पढ़ेंगे, तो फर्स्ट पर्सन एच है। तो एंड के स्थान पे क्या आ जाएगा? एच। और पढ़ेंगे एच सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ए के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन आ गया बेटा? एच होगा। यही चीज हमें समझना है, इसी चीज को हमें समझने की जरूरत पड़ेगी जब पेपर में भी हम आएंगे। पेपर जब हम देते रहेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को जब तक नहीं समझोगे, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत मेहनत से बनता है, बहुत टफ लगता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। क्योंकि एक पूरे सीटिंग में तीन, मिनिमम तीन, मैक्सिमम पांच क्वेश्चन रहेंगे, एक सीटिंग पे मिनिमम तीन मैक्सिमम पांच क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, एंड का मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन है बेटा इस सेंटेंस में? एच है। हिंदी में भी देखो, एच बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, बी के बाएं से तीसरे स्थान पर एच आ गया, और का मतलब पहला व्यक्ति। तो इस सेंटेंस का पहला व्यक्ति एच है, दूसरा व्यक्ति बी है। तो एच और के जगह पर हम क्या रखेंगे बेटा? एच को रखेंगे, और पढ़ेंगे एच, और नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे एच ए के दाएं से दूसरे स्थान पर। एच जो है वो ए के दाएं से दूसरे स्थान पे, ये लेफ्ट है बेटा, तो ए का दाया किधर होगा? दाया तो इस साइड होगा, एंटी क्लॉक वाइज। एच का पोजीशन ये है, तो ए का दाया किधर होगा बेटा? ए यहां होगा, क्योंकि ए के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन है? एच है। जो ए का दाया होगा वो एच का बाया होगा, जो ए का दाया होगा वो एच का बाया होगा। कोई भी दो व्यक्ति जब एक ही दिशा में देखता है, एक ही डायरेक्शन में देखता है, तो एक का जो दायां होता है दूसरा का वो बायां होता है, एक का जो दायां होता है दूसरा का वो बायां होता है।
अगर ए के दाएं में एच है तो एच के बाएं में ए होगा, क्लियर है। तो यहां पे कहता है और का मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन है, एच। एच ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ए के दाएं से दूसरे स्थान पर एच। मुझे लगता है सब क्लियर हो गया होगा सभी का, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल क्लियर। अब हम चलेंगे आगे। अब देखोगे कहता है सीज सीटिंग बिटवीन ए एंड जी। कहता है सी जो है, यहां पे देखो सी ए और जी के बीच बैठा है। देखो बेटा ए भी हमारे पास है और जी भी हमारे पास है, तो यहाँ पे बिटवीन में हम राइट लेफ्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिनिमम जब दो व्यक्ति नहीं आएगा तब, जब दो व्यक्ति आ चुका है तो तीसरा व्यक्ति का जगह फिक्स है। ए और जी का स्थान तो अब चेंज नहीं हो सकता है, ए का भी स्थान फिक्स हो गया और जी का भी स्थान फिक्स हो गया। तो कहता है जो सी ए और जी के बीच बैठा है, क्वेश्चन में है सी इज सीटिंग बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में कौन है बेटा, सी। तो ए और जी के बीच में सी है। आपको बिटवीन का रूल मैंने सिखाया था, जब दो व्यक्ति नहीं हो या तीनों व्यक्ति नहीं हो, मिनिमम दो व्यक्ति मैक्सिमम तीनों व्यक्ति में से नहीं हो, तब हम बिटवीन का रूल को अप्लाई करेंगे। जब दो व्यक्ति का स्थान फिक्स है तो ऑलरेडी तीसरा स्थान फिक्स हो जाएगा, क्लियर। अब आगे पढ़ोगे, फिर कहता है एंड बी एंड ई आर नॉट सीटिंग अपोजिट टू ईच अदर। कहता है बी और ई एक दूसरे के अपोजिट में नहीं, तो कहता है बी एंड ई आर नॉट सीटिंग अपोजिट टू ईच अदर, बी और ई एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठा है। कहता है तथा बी और ई एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठा है, मतलब विपरीत का मतलब सामने, तो बी यहां पर है बेटा, तो इसके ठीक सामने में ई नहीं आएगा, बी के ठीक सामने में ई नहीं आएगा, तो ई कहां पर आएगा बेटा। अगर बी यहां पर है तो इसके ठीक सामने में ई नहीं आएगा, तो ई का स्थान कहां होगा बेटा, ई का स्थान यहां पे होगा, क्योंकि दो ही प्लेस है, एक ये और एक ये, यहां पे तो ई आएगा नहीं, तो ई यहां पे आ जाएगा। तब हमारे पास टोटल आठ में से सात स्थान तो फिक्स हो गया, आठ में से तो सात स्थान फिक्स हो गया, तो बचा क्या बेटा, एक स्थान ये बचा हुआ। अब इसमें से कौन सा स्थान है बेटा, ए बी सी डी ई एफ, शायद एफ नहीं आया है, देखो यहां पे एफ नहीं आया है, तो एफ का स्थान ये रख दो। अब ये आपका सीटिंग कंप्लीट हो गया बेटा। अगर आपका सीटिंग कंप्लीट हो गया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चंस हमें करना होता है, अब देखते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं, अब इसी से क्वेश्चंस बनाते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से आता है और हमें किस टाइप का आंसर देना है, ठीक है। अब देखोगे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, देखो यहां पे कहता है हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। कहता है ए के दाएं से चौथे स्थान पे कौन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसमें चार ऑप्शन होंगे, हम यहां पे ऑप्शन नहीं रखे हैं क्योंकि हमें देख के ही तो करना है, फिक्स है वही होगा। हु इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, कहता है ए के दाएं से चौथे स्थान पे कौन है बेटा। जब क्वेश्चन है ए के दाएं से चौथे स्थान पे कौन है, तो ए कहां है बेटा, यहां पे। दाया किधर होता है, दाया होता है, हमेशा याद रखना, जो एंटी क्लॉक वाइज हमेशा दाया होगा, एंटी क्लॉक बाई दाएं। तो ए के दाएं से चौथे स्थान पर, ए यहां पर है, इसका चौथा स्थान राइट किधर होगा, तो ए का राइट दाया इधर होगा, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो ए के दाएं चौथे स्थान पर बेटा क्या आएगा, ए के दाएं से चौथे स्थान पे यहां पे डी आ जाएगा बेटा, क्या आएगा बेटा, ए के दाएं से चौथे, दाएं हमेशा एंटी क्लॉक वाइज होता है, याद रखना, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया, जो एंटी क्लॉक वाइज हमेशा क्या होता है, दाया होता है, एंटी क्लॉक वाइज हमेशा बेटा क्या होता है, दाया होता है, और क्लॉक वाइज हमेशा बाया होता है। तो राइट की बात करेगा, एंटी क्लॉक वाइज राइट की बात करेगा, तो राइट हमेशा एंटी क्लॉक वाइज आते हैं, ठीक ना बेटा। तो हम चलेंगे क्वेश्चन में, तो ए के दाएं से चौथे स्थान पे क्या है, तो ए के दाएं से चौथे स्थान पर एक दो तीन चार, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बेटा डी आएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, डी होगा, कोई परेशानी। चार ऑप्शन दिए रहेंगे, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं।
चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकेंड क्वेश्चन कहता है हु इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, हु इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन है, बी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, हु इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। चलो बेटा बी के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन है, अब देखो बी के बाएं से दूसरे स्थान पर, बी का बाया बाया किधर होगा, क्लॉक वाइज, तो बी के बाएं तीसरे स्थान पे पूछ रहा है, तो बी के ये हो जाएगा बाया एक दो तीन एच हो जाएगा, तो बी के बाएं तीसरा स्थान पे क्या हो जाएगा बेटा, बी के बाएं से तीसरा स्थान पे यहाँ पे एच हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। अगर हमें क्वेश्चन बी के बाएं से चौथा स्थान पूछता तो एफ हो जाता, बी के स्थान से दूसरा स्थान पूछता तो ई हो जाता, कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रहा होगा। चलो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज द थर्ड टू द राइट ऑफ एच, कहता है हु इज द थर्ड राइट ऑफ एच, कहता है एच के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन है, एच के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन है, तो H के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन है, तो H के दाया किधर होगा बेटा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज दाया होता है, एंटी क्लॉक, तो H के दाएं तीसरे स्थान पर, तो H ये हो जाएगा, इसका दाया पहला हो जाएगा एक दो तीन, H के दाएं से तीसरे स्थान पे B है, H के दाएं से तीसरे स्थान पे B है, H के दाएं से तीसरे स्थान पे बेटा क्या हो जाएगा, B आंसर आ जाएगा। फिर क्या कहता है, हु आर द नेबर ऑफ ई, ई का पड़ोसी कौन है, ई का नेबर कौन है, तो नेबर का बेटा लेफ्ट राइट दोनों होता है, ई ई का लेफ्ट और राइट, ई भी है और डी भी है, ई का जो नेबर है वो एच भी है और डी भी है, ई का जो नेबर है वो लेफ्ट राइट दोनों वाला माना जाएगा, क्योंकि लेफ्ट भी नेबर है राइट भी है, तो एच भी होगा और डी भी होगा, एच भी होगा और डी भी होगा, तो आंसर क्या होगा, एच एंड डी, आंसर क्या होगा बेटा, एच एंड डी, तो ई का नेबर होगा एच, एच एंड डी, हिंदी में होगा एच और डी, देख रहे हो, इसी टाइप से हम प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप सही सही दोगे। देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान देना, दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान देना, दूसरा क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, आसानी से क्वेश्चन बनेगा, कॉन्सेप्ट बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, अगर एक बार में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा तिबारा भी देख लेना, जिससे आपको क्या होगा, पहला क्वेश्चन को जितना बार देखोगे सेकंड क्वेश्चन आसानी से उतना ही जल्दी बनेगा, ठीक ना। तो चलो दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं, समझते हैं, बनाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, कहता है A, B, C, D, E, F and G are sitting around a circle and are facing the center. क्लियर है, हिंदी में देखोगे कहता है क्वेश्चंस में जो A, B, C, D, E, F और G एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए, मतलब बेटा कहने का मतलब है टोटल कितना व्यक्ति है इसमें, सात व्यक्ति है, A से लेके कहां तक, G तक, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, एक वृत्ताकार घेरा है जिसमें सात व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, कोई परेशानी नहीं। चलो बेटा अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, कहता है जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, पहला सेंटेंस जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, देखो बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिया है, कहता है हिंदी में भी देखो जी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है जो एफ के तुरंत बाईं ओर है। अब देखो यहाँ पे हु से कनेक्ट किया है, देखो एक सेंटेंस को, इस सेंटेंस को आधा यहाँ पे लिया है,
किससे कनेक्ट किया बेटा, हु से। हु का मतलब सेकेंड पर्सन, आपको ये बताया था। हु का मतलब, यहाँ पे ध्यान देना, हु का मतलब बेटा सेकेंड पर्सन, हिंदी में जो का मतलब दूसरा व्यक्ति। अब आपको जल्दी समझ में आएगा इस क्वेश्चन में। तो पहले हाफ को कनेक्ट कर लो। पहला हाफ क्या कहता है, जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। कहता है जी जो है, जी सी के बाएं से, जी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो चलो बेटा हम क्या करते हैं, सी को हम यहां रखते हैं, फिक्स कर लिया मैंने इस प्लेस को। तो सी के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन है, जी। तो अगर मैंने सी को यहां पे रखा तो इसके बाएं में है, तो जी को हम क्या करेंगे, यहां पे रखेंगे। जी को हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे रखेंगे। अगर मैंने सी को यहां पे रखा, क्योंकि क्वेश्चन में है जी इज सेकेंड, जी सेकेंड है टू द किसके लेफ्ट ऑफ सी, सी के बाएं, सी के लेफ्ट में। तो सी को मैंने अगर यहां पे फिक्स किया तो सी के लेफ्ट से सेकेंड स्थान पे कौन आ जाएगा बेटा, जी आ जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि क्या होता है क्लॉकवाइज क्या होता है बेटा, लेफ्ट होता है। क्लॉकवाइज क्या होता है, लेफ्ट होता है। यहाँ पे हमेशा देखना, यहाँ पे क्लॉकवाइज देखते हो, क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है, बायां होता है। क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है, एंटी क्लॉकवाइज राइट होता है। देख लिया बेटा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो सी के क्लॉकवाइज सेकेंड स्थान पर लेफ्ट जी होगा, कोई परेशानी नहीं। चलो जी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी। अब आगे देखोगे हिंदी में भी देखो, जी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। कहता है हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। हिंदी में देखो, कहता है जो एफ के तुरंत बाईं ओर है, जो एफ के तुरंत बाईं ओर है। तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, हु है। हु का मतलब बेटा, हु का मतलब सेकेंड पर्सन, आपको ये बताया गया है। हु का मतलब सेकेंड पर्सन। देखो यहां पे हु का मतलब सेकेंड पर्सन, जो का मतलब दूसरा व्यक्ति। अब इस सेंटेंस में देखो, पहला व्यक्ति कौन है बेटा, पहला व्यक्ति जी है, दूसरा व्यक्ति सी है और तीसरा व्यक्ति एफ है। जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वो सेंटेंस कहां से स्टार्ट हुआ है, जी से। जिसमें हु है वो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है जी से। तो पहला व्यक्ति जी हो गया, आगे बढ़ेंगे तो दूसरा व्यक्ति सी हो गया, और आगे बढ़ेंगे तो तीसरा व्यक्ति एफ हो गया। यहाँ पे फुल स्टॉप है, सेंटेंस आगे न्यू सेंटेंस स्टार्ट होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो पहला व्यक्ति जी, दूसरा व्यक्ति सी और तीसरा व्यक्ति एफ। तो मैंने कहा एंड आएगा तो पहला व्यक्ति, हु आएगा तो दूसरा व्यक्ति। अगर यहाँ पर एंड होता तो जी आ जाता, लेकिन हु है तो दूसरा व्यक्ति कौन है, सी। तो हु के जगह पर किसको रखेंगे बेटा, सी को रखेंगे। हिंदी में बेटा जी सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो का मतलब सेकेंड पर्सन। अगर और होता तो जी को रखते, जो है तो सी को रखेंगे। तो जो के जगह पर हम किसको पढ़ेंगे, सी को पढ़ेंगे। जो के जगह पर किसको पढ़ेंगे बेटा, सी को पढ़ेंगे। और हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब इस सेंटेंस को हम आधा तो बना लिया है, सेंटेंस को आधा तो बना लिया है, कहां से, यहां से। जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। आगे पढ़ेंगे हु को हु नहीं पढ़ेंगे, हु के जगह पे किसको पढ़ेंगे, जी को। हु के जगह पे किसको पढ़ेंगे, सेकेंड व्यक्ति को, सेकेंड पर्सन को। और सेकेंड पर्सन इस सेंटेंस में कौन है, सी है। तो कहेंगे हु के जगह पे क्या पढ़ेंगे, सी। सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। देखो सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। हिंदी में देखो, जो को जो नहीं पढ़ेंगे, जो के जगह पे सी को पढ़ेंगे। जो के जगह पे क्या पढ़ेंगे बेटा, सी को पढ़ेंगे। सी एफ के तुरंत बाईं ओर है, सी एफ के तुरंत बाईं ओर है। सी जो है वो एफ के बाईं ओर है। तो बायां किधर होगा बेटा, क्लॉकवाइज। तो यहां पर एफ आ जाएगा, एफ के क्लॉकवाइज सी होगा। सी एफ के तुरंत बाईं ओर है। देखो सी हु के जगह पे, जो के जगह पे सी आ जाएगा। सी एफ के तुरंत बाईं ओर है। सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के तुरंत बाईं ओर कौन हो जाएगा बेटा, सी। बायां किधर होता है, क्लॉकवाइज। देख रहे हो, क्लियर। एफ के तुरंत बाईं ओर सी, कोई परेशानी नहीं। तो ये सेंटेंस कंप्लीट। आगे का सेंटेंस देखे और आगे फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है इसमें, फिर देखो यहां पे सेंटेंस में ये कंप्लीट हो गया। फिर आगे यहां से स्टार्ट हुआ है, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। कहता है
ए ई के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें इस सर्कल में अभी ना तो ए आया है और ना ही ई आया है, ना तो ए आया है और ना ही ई आया है, नहीं आया है तो इसको ब्रेक करोगे। इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे बेटा, ब्रेक करेंगे, बाद में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेंटेंस क्या था, ए इज द लेफ्ट, ए इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ ई। इस सेंटेंस को अभी हम ब्रेक करेंगे, जो अभी ये सेंटेंस हमारे पास कनेक्ट करने के लिए नहीं है। ए के बाएं से तीसरे स्थान पर, कहता है ए ई के बाएं से तीसरे स्थान पर है, इसको अभी हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ना तो ए है और ना ही ई है, तो इसको बाद में कनेक्ट करेंगे। अगला सेंटेंस देखोगे क्या लिखा है बेटा, बी इज बिटवीन डी एंड ई, कहता है बी डी और ई के बीच बैठा है। अब एक बात बताओ, ना तो यहाँ पे बी है, ना तो डी है, ना ही ई है, ना तो बी है, ना तो डी है, ना तो ई है, लेकिन सेंटेंस में कहता है बी इज बिटवीन, बी बीच में है, किसके किसके, डी और ई के। तो बिटवीन वाला, बिटवीन वाला कंडीशन कब फॉलो होगा, जब तीन प्लेस होगा, जहां पे तीन प्लेस खाली हुआ बेटा वहीं तो हम बिटवीन का रूल लगा सकते हैं। तो इसमें जो तीन प्लेस कहां पे खाली है, अगर ध्यान से देखोगे तीन प्लेस कंटिन्यू खाली है, यहां पे देख रहे हो, यहां यहां यहां, तो यहां पे हम बिटवीन लगा सकते हैं। और मैंने आपको याद करोगे, जब तीनों में से कोई भी नहीं हो तो आप याद करोगे, मैंने बताया था ए इज बिटवीन बी एंड सी, पहला व्यक्ति को, ए तो बीच में बैठेगा, उसके बाद पहला व्यक्ति को दायां और दूसरा व्यक्ति को बायां, याद आया। तो उसी तरह से बेटा यहां पे कहता है बी, कहता है क्वेश्चंस में बीज बिटवीन, बी बीच में होगा किसके किसके, डी और ई के, तो डी को राइट में बैठाएंगे और ई को लेफ्ट में बैठाएंगे। ई को कहां बैठाएंगे बेटा, लेफ्ट साइड बैठाएंगे, याद आया। तो आपको तीनों में से कोई भी व्यक्ति नहीं है, जब दो व्यक्ति मिनिमम नहीं हो तो हम क्या करेंगे, बी बीच में आएगा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ये राइट साइड आएगा और ये लेफ्ट साइड आएगा। तो देखो इसमें बीच में कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, और राइट किधर होगा, इधर, डी इधर होगा और ई इधर होगा, हो गया ना बेटा, बी के राइट में डी होगा, बी के लेफ्ट में ई होगा। अब एक सेंटेंस आपने ब्रेक किया था, ए इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, अब हमें इसको भरने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ई का प्लेस यहां पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ई, सॉरी, यहां पर ए का प्लेस आ जाएगा बेटा, क्योंकि यहां पे सब कुछ आ चुका है, सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं आया है, वो है ए, तो उस सेंटेंस को भी हमें कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कनेक्ट हो गया। कैसे, तो आप देखोगे ए थर्ड है किसके, ई के, तो ई के लेफ्ट से थर्ड, एक दो तीन कनेक्ट हो गया ऑलरेडी, क्योंकि एक ही प्लेस बचा हुआ है, वो है ए का। अब देखो कितने अच्छे तरीका से आप सीटिंग अरेंजमेंट सीख रहे हो। आपको कुछ रूल याद रखना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया है। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे और फिर देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है हु इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ जी, हु इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ जी, जी के दाएं पांचवें स्थान पे कौन होगा। तो जी के राइट फिफ्थ स्थान पे, जी का राइट, राइट किधर होगा बेटा, एंटी क्लॉक वाइज, तो जी के राइट फिफ्थ स्थान पे, तो जी ये है, एक दो तीन चार पाँच, वन टू थ्री फोर फाइव, कौन सा आएगा बेटा, बी आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, बी होगा। दूसरा देखो, हु इज द थर्ड टू द लेफ्ट, हु इज द थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, कहता है एफ के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है। तो एफ के दाएं तीसरे स्थान पे बेटा, तो एफ ये है, इसका दाया तो इधर ही रहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एक दो तीन, डी आंसर होगा, एफ के दाएं, एक दो तीन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। आंसर क्या होगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, हु इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, हु इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, तो कहता है डी के लेफ्ट, डी के बाएं, तो डी के बाएं, तो बाया किधर होगा, क्लॉक वाइज, कौन सा थर्ड, एक दो तीन, क्या हो जाएगा बेटा, एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ हो जाएगा, बात वही है। फिर देखो यहाँ पे, हु आर द नेबर ऑफ ए, ए का पड़ोसी कौन है, तो
ए का नेबर मतलब पड़ोसी, लेफ्ट राइट दोनों, ए का नेबर कौन कौन हो गया, एक जी हो गया एक सी हो गया, ए का नेबर एक जी हो गया और एक सी हो गया, तो कहेंगे जी एंड सी। आंसर क्या होगा बेटा, ए का नेबर हो जाएगा, एक तो जी हो जाएगा और एक सी हो जाएगा, आंसर में होगा जी और सी। क्लियर है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप से हम सारे क्वेश्चंस को आराम आराम से कर सकते हैं। तो आज यहीं तक बेटा, और फिर आगे कंटिन्यू क्वेश्चन रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना जी। और फिर हम इस तरह से सीखेंगे और टोटल क्वेश्चन को आराम से बनाएंगे। जो जो स्टूडेंट्स इसको एक बार में नहीं, दो बार तीन बार चार बार वीडियो देखोगे, अगला जो क्वेश्चन आएंगे, अगला जो हम क्लासेज लेंगे, अगला जो वीडियोज होंगे आपके सामने, वो आराम से बनेगा। पहले ये दोनों क्वेश्चन पे आराम से पकड़ बनाओ, दो चार पाँच बार बनाओ, फिर अगला वीडियो देखो, अगला सेंटेंस देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्लासेज देखो,